and एंड वेलकम टू channel. चैनल name नेम Zunaira and एंड एम मेकअप लवर एंड a मेकअप जंकी अच्छा आज की जो वीडियो है वो है मैंने बनाई फेस प्रोडक्ट्स पे सिर्फ मैं आई लुक की जो है वो बाद में अपलोड करूँगी आज से फेस प्रोडक्ट्स की बात करती क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हुई हुई थी, थी आजकल देख सकते हैं आप बुरे दिन चल रहे हैं खैर अच्छे बुरे दिन चलते रहते हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल मेकअप कैन सेव यू अच्छा तो सबसे पहले मैं अपनी स्किन को प्रेप करूंगी विच इज़ मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थिंग स्पेशली अगर आपकी स्किन पे एक्नी है तो आपने स्किन को अच्छे से प्रेप जरूर करना है कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले ठीक है तो सबसे पहले मैं ये थे इसका टोनर है कोई भी फ़ेस टोनर आप लेके किसी भी किस्म का जो आपके पास है कोशिश करने की जिसमें अल्कोहल ना हो क्योंकि वो आपकी स्किन को ड्राई कर दी है तो टोनर का मतलब है आपकी स्किन के पीएच लेवल को यू नो नॉर्मल करना उसको बैलेंस करना ना कि उसका बिल्कुल ही ड्राइनेस आपकी स्किन पर कर देना तो बहुत सारे टोनर्स जो है ना वो ड्राइंग होते हैं ये वाला बहुत मजे का टोनर इसको इवन मैं अंडर आइज भी यूज़ करती हूँ तो ये बहुत स्किन को अच्छे से साफ़ करते दे कोई ऑयल है कोई डर्ट है आपके पोर्स में इवन मैंने फ़ेस वॉश किया था फिर भी कोई धोए हुए मुझे आधा पौना घंटा हो गया था तो मैंने इसलिए ये टोनर यूज़ किया ताकि कोई डेड स्किन है कोई ऑयल कोई डर्ट आ गया मेरी स्किन पर तो अच्छी तरह साफ़ हो जाए ताकि फाउंडेशन आपका ना फटे और ना ही फिसले ठीक है तो मैंने मुँह धोया था इसलिए इतना गंदा नहीं था बट स्टिल फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है आपने अच्छे से अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करना ये मेरा सेंट आइस का फेवरेट मॉइस्चराइज़र है बहुत ही इसकी जेल लाइक और ऐसे पुडिंग सी होती है ना उस तरह की कंसिस्टेंसी है और जैसे आप उसको फेस पे लगाते हैं बिल्कुल हैवी और थिक क्रीम नहीं है बिल्कुल ऐसे वाटर बेस्ड टाइप ये क्रीम है और जेल बेस्ड होता है ना जिस तरह से उस तरह से और ये स्पेशली ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए परफेक्ट है अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है ना तो ये इतने अच्छे से आपको मॉइस्चराइज़ नहीं करती पर ऑयली स्किन को ये इतने अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है और बड़ी बड़ी सॉफ्ट सी ग्लो देती है आपके चेहरे पर तो आपके लिए इतनी हाइड्रेशन बहुत है ठीक है अब मैं ऑफ कैमरा सबसे पहले कर लूँगी आई लुक जो कि ऑफ़ कैमरा तो नहीं वो दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगी डरना नहीं है बहुत ही मैंने ड्रामेटिक सी लुक की है मैंने अपने कम्फर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर नि, नि, निकल के लुक की है ये जो नियॉन कलर मैंने लगाया ना एक्चुअली ये इस वजह से मैंने ये लुक क्रिएट की थी ये न्यून कलर मुझे बड़े दिनों से अट्रैक्ट कर रहा था तो मैंने आज ये लुक क्रिएट कर ही ली खैर आज हम फेस मेकअप की तरफ तवज्जो देंगे क्योंकि मेरी स्किन पे एक्टिव एक्नी है तो इस वजह से मैं कोई भी मेकअप प्रोडक्ट कोशिश करूँगी कि हाथ के साथ ना अप्लाई करूँ क्योंकि फिंगर्स में आप बैक्टीरिया होता है ब्रशेज तो आपने धोए होते हैं ऑब्वियसली तो फिंगर में जो है ना इसको अवॉइड ही करें अपने फेस को बार बार टच करने से भी ठीक है मैं ये ग्लैम गर्ल की मशहूर है ज़माना पैलेट लूँगी और इसमें से जो डार्क पीची सा शेड है ना उसको एक ब्रश पे लेके मैं जो है जहाँ जहाँ मुझे फील हो रहा है तो जहाँ एक्नी है थोड़े कोई डार्क स्पॉट्स हैं और डार्क सर्कल्स हैं आपकी माउथ के इर्द गिर्द का जो अगर थोड़ी सी डिसकलरेशन है उनको अच्छी तरह से जो है ना हाइड करूँगी इससे थिन लेयर लगा रही हूँ बिल्कुल हैवी लेयर नहीं लगाऊंगी मैं थिन सी लेयर लगाऊँगी बिल्कुल अच्छा तो उसके बाद मैंने लाइट सा जो है ना अपनी फिंगर या रिंग फिंगर देख देखने क्योंकि इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होता तो उसकी जो है ना मदद से मैंने हल्का हल्का सा इसको ब्लेंड कर लिया जो कलर करेक्टर लगाया अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है ना और आपको लगता है कि भाई जो कलर करेक्टर है वो क्रीज़ कर जाता है तो आपने लूज पाउडर से बिल्कुल हल्का सा ना इसको सेट कर लेना मेरा ख़ैर उस तरह से इतना क्रीज नहीं करता तो मैंने इसलिए नहीं किया आज हम बात करेंगे स्वीट टच के प्रोडक्ट्स की जिसका मैं फ़ाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले क्योंकि इसका कलर करेक्ट मेरे पास नहीं है कोई भी तो इसलिए मैं इसका सिर्फ फाउंडेशन ही डायरेक्ट अप्लाई करूँगी बॉटल बहुत प्यारी है मैंने इसकी पैकेजिंग की वजह से वैसे ये लिया था और जिसकी कवरेज बहुत अच्छी है इसका डिटेल रिव्यू यहाँ पर कहीं है वो मैं डाल दूंगी ऊपर आई बटन में आप देख लीजिएगा ठीक है ना सबसे पहले मैं इसका ये प्रोडक्ट यूज़ करूँगी इसकी कवरेज काफ़ी अच्छी है और क्रीमी सा फाउंडेशन है बट इसका शेड बहुत ऑड है ऐसे अभी यहाँ पे बहुत इसका परफेक्ट लगता है कि जी मैच करेगा जब मैं इसको ब्लेंड करूँगी बट जब ब्लेंड होता है ना उसकी थोड़ी देर के बाद बड़ा अजीब सा ऑक्सीडाइज होके बड़ा ये अजीब ही कलर में जो है ना चेंज होता है इसलिए इसको मैं अकेले कम ही लगाती हूँ उसको किसी ना किसी के साथ आ, मिक्स करती हूँ ठीक है ना ताकि मैं अपना डिज़ायर्ड जो है ना शेड अचीव कर लूँ उसके बाद ये एक और प्रोडक्ट है स्वीट टच का जो कि बहुत मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है ये इनका लिक्विड एलुमिनेटर है अच्छा यूजुअली आप जो थोड़े सस्ते वाले अगर एलुमिनेटर ये ये लेते हैं ना हाईलाइटर है, जो लिक्विड वाले होते हैं तो वो जो है ना बहुत ड्राई हो जाते हैं ये वाला बड़ा ज़बरदस्त है इसका कलर आप देख रहे हैं इसका शैम्पिन करके मैं नीचे नाम मेंशन कर दूँगी ग्लास बॉटल है इसकी और ये इस तरह से एक ड्रॉपर के साथ मैं भूल गई थी क्या कहते हैं ड्रॉपर के साथ आता है तो मैंने इसको फाउंडेशन में डायरेक्ट मिक्स, मिक्स नहीं किया मैंने ऊपर फाउंडेशन के लगाया क्योंकि मैं भूल गई थी और मुझे याद है कि ये प्रोडक्ट भी है तो वरना यूजुअली मैं इसको ना फाउंडेशन के नीचे एक इसकी थिन सी लेयर लगाती हूँ तो ये बहुत अच्छी ग्लो देता है या इवन आप इसको फ़ाउंडेशन के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद पाउडर uh, से पहले भी आप इसको एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं तो काफ़ी इसके तरीके हैं इसको यूज़ करने के बट मैंने आज इसको इस तरह से यूज़ करना पसंद किया अच्छा जो फाउंडेशन है ना ये मैट uh, नहीं है लेकिन ये ग्लोई भी नहीं है ये बड़ा uh, जो ना, है ना इन बिटवीन है सेट इन मैट कह सकते हैं आप इसको आ, लेकिन ये कि आपके पोस्ट को बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं करता लेकिन इसका शेड सिर्फ ऑफ है मे बी मैं इसका एक और शेड लूँगी लेकिन मैं चाह रही हूँ इसके किसी और फाउंडेशन का शेड ट्राई करूँ बिकॉज इनका एक और फाउंडेशन है जो कि मुझे अच्छा लगता है काफ़ी सुना है उसके बारे में तो मे बी मैं उसमें अपना शेड लेने के ट्राई करूँगी खैर अब आप देख रहे हैं कि ये फाउंडेशन जैसे कि मैंने बताया ग्लोई नहीं है लेकिन बिल्कुल मैट भी नहीं है तो इसमें वो हल्का सा जो मैंने लिक्विड एलुमिनेटर ऐड किया था जिसकी वजह से इसकी एक बड़ी अच्छी नाइस सी ग्लो आ रही है ठीक है तो ये एक पंप मैंने पूरा लिया था पहले तो जो थोड़ा सा बच गया था तो मैंने वो ब्रश की मदद से जहाँ जहाँ मुझे एक और, और कवरेज चाहिए थी मैंने वहाँ वहाँ इसको अप्लाई किया और अच्छे से इसको ना ब्लेंड कर लिया आपकी स्किन में एब्जॉर्ब कर लिया हाँ एक और बात इसको आपने जल्दी जल्दी ब्लेंड करना है क्योंकि थोड़ी देर आप इसको अपने फेस पर रखते हैं ना तो ये ड्राई हो जाता है और फिर जब ये ड्राई हो जाता है ना तो जो इसमें मैंने लिक्विड एलुमिनेटर डाला था ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था ब्लेंड होने में तो इस वजह से आप ज़रा इसको जल्दी जल्दी जो है ना ब्लेंड कर लिया अप्लाई करते साथ ही उसके बाद मैं जे डॉट कॉस्मेटिक्स का कंसीलर ले रही हूँ ये हाई कवरेज कंसीलर है आ, लेकिन इसका मुझे नाम पूरा भूल गया खैर मैं यहाँ पे मेंशन करती जाऊँगी साथ साथ इसमें शेड सिर्फ दो से तीन और मैंने आएगा सेल में ये फोर हंड्रेड का या टू हंड्रेड का लिया था मुझे याद नहीं है लेकिन बड़ा रीज़नेबल था और बहुत अच्छा ये कंसीलर है कवरेज इसकी हाई नहीं है मैं फुल कवरेज नहीं कहूँगी लेकिन मीडियम टू बिल्डेबल है ये क्रीज नहीं करता बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ब्लेंड हो जाता है और आप बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है आपकी अंडर आइज को स्पेशली ग्राफ़ फेस पर कहीं पर भी, भी किसी भी एरिया को जो है हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये बहुत मजे से हाईलाइट करता है इसको ब्लेंड करने का तरीका यह है कि अगर आप इसकी कवरेज फुल चाहते हैं जिस हद तक ये दे सकता है आप सबसे पहले इसको अप्लाई करने के बाद इवन आप ब्रश से ही अप्लाई करें करने के बाद ब्रश से इसको स्प्रेड कर लें अच्छी तरह से जब आप इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे ना ब्रश क्योंकि कवरेज खाता नहीं है ब्लेंडर फॉर जो है ना कवरेज आपकी खा जाता है ठीक है ना तो अगर तो आपके पास कोई राउंड फ्लफी ब्रश है तो आप उससे भी ब्लेंड कर सकते हैं लेकिन क्योंकि अगर आपके बड़े डार्क सर्कल्स हैं और जो आपकी जो कुछ लोगों के आ होता है ना कि जब आपके जो डार्क सर्कल्स होते हैं तो उसकी वजह से खड्डे खड्डे टाइप भी पड़ जाते हैं आंखों के नीचे तो फिर आप जो है ब्रश की मदद से लेकिन मुझे ब्लेंडर मतलब इस फाइन विद मी तो मैंने पहले से उससे किया ब्रश उसके बाद मैंने ब्लेंडर से किया तो देखिए इसकी बहुत ज़्यादा कवरेज खाई नहीं गई है तो बहुत अच्छे से अंडर जो हाईलाइट और बहुत स्मूथ फिनिश देता है स्पेशली ये कंसीलर आपकी जो अंडर आइज़ में अगर कोई रिंकल्स हैं लाइन्स है तो उनको विजिबल नहीं करता ये इसका जो है प्लस पॉइंट है ख़ैर अगर आपने ये लेना है तो ज़रूर लीजिएगा सेल में लीजिएगा सेल लगी ही रहती है इनकी अच्छा अब अच्छे से मैंने जो है ब्लेंड कर लिया सारा इसको करने के बाद मैंने दोबारा से वो लिक्विड एलुमिनेटर लिया और उसको फिर मैंने एज अ हाई अपने हाई पॉइंट्स पर लगाने की जब कोशिश की तो आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन सारा अपनी जगह से हिल गया था तो आपने परेशान नहीं होना वी विल हैंडल इट और मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड करती की करती की करती की तो बिल्कुल लाइट हैंड के साथ बिल्कुल आपने हाथ को तो दरा ज़्यादा किया ना तो फाउंडेशन मिक्स हो जाएगा तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से अगर आप करेंगे ना तो खैर तंग नहीं करता उसके बाद मैंने फेस के ऊपर लिया ही नहीं मैंने इसको डायरेक्ट ब्रश के ऊपर लिया और इसे बिल्कुल लाइट लाइट स्ट्रोक्स के साथ ब्लेंड किया तो फाउंडेशन फिर भी थोड़ा सा अपनी जगह से मूव किया था बट इतना नहीं जितना पहली दफ़ा किया था तो फिर मैंने हल्का हल्का इसको डैबिंग मोशन में जैसे स्टैंप स्टैम्प लगाते हैं आप उस तरह से करते करते मैंने जो है बाकी जो बचा हुआ था वो मैंने अपने बाकी भी एरिया पे फेस के जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइटर चाहिए था वहाँ वहाँ मैंने इसको ब्रश से जो है ना ब्लेंड कर लिया ठीक है ना उसके बाद जो स्टार प्रोडक्ट है जो कि मैं ये लेके अभी मैंने रिसेंटली परचेज किया है यह है इनका एक पाउडर स्वीट टच का स्वीट टच पाकिस्तान के लिहाज से मेरा काफ़ी फेवरेट ब्रांड है जो कि जब सेल लगती है ट्वेंटी फाइव परसेंट तक लगती है तो अब बड़ा अच्छी प्राइस में मिल जाती है इसकी चीज़ अब इसका ये वेट एंड ड्राई पाउडर डूल केक पाउडर कुछ ऐसा नाम है ये इसकी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है लिटरली बहुत तारीफ़ हर ब्लॉगर से तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये लूं और ट्राई करूं, ठीक है ना सॉरी आपको डिस्ट्रैक्ट करी वीडियो में बिकॉज़ मेरे हस्बैंड बैठे हुए साथ उनसे बातें करना भी ज़रूरी है तो इसलिए मैं कभी उधर देख रही हूँ कभी उधर देख रही हूँ खैर ये शेड है बी थ्री जो कि मेरा परफेक्ट शेड है ठीक है इसने जितनी ज़बरदस्त और स्मूथ फिनिश दी थी मैं लिटरली हैरान हो गई थी कि फाउंडेशन से मेरी स्किन बड़ी अजीब सी लगी थी स्पेशली जब मैंने एलुमिनेटर लगाया तो थोड़ा फाउंडेशन हिल गया था अपनी जगह से तो इसने बड़ी ज़बरदस्त मीडियम कवरेज भी दी डेफ़िनेटली आप इसे फुल कवरेज भी ले सकते हैं अगर आप बेट करके कोई भी स्पंज लगाया मैं इसी के स्पंज को यूज़ किया बड़ा सॉफ्ट सा इसका स्पंज था तो मैंने सोचा कि मैं इसे यूज़ कर लूँ देख लें अभी यहाँ या, यहाँ वाली जो है ना उतनी स्मूद नहीं लग रही जितनी एकदम से ये वाली स्किन मेरे जो राइट साइड है स्मूद लग रही थी बहुत ज़्यादा स्मूद लग रही थी पैकेजिंग आपने फिर से देख लिया वैसे मैंने आपको दिखा दी इनकी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स की एक जैसी ही पैकेजिंग है तो मैं बात कर रही थी कि जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के लिहाज से ना इसकी प्राइस बहुत अच्छी है वरना बाकी तो इतनी आग लग गई है ना लिटरली पाकिस्तानी ब्रांड्स को कि मुझे समझ नहीं आ रही कि बंदा बाहर से मंगवाए मेकअप ही यहाँ से ख़रीदे क्योंकि जो यहाँ की क्वालिटी है ना वो उतनी अच्छी नहीं है जो आप बाहर के मेकअप की लेते हैं लाइक हुदा ब्यूटी की अगर लिपस्टिक है ना दो हज़ार पच्चीस सौ की वो सेल में आपको काफ़ी सस्ते मिल जाती है तो पाकिस्तानी ब्रांड्स की लिपस्टिक चौदह चौदह सौ की आपको जो मिल रही हैं उनकी वो क्वालिटी नहीं है तो बंदा कहता है कि यार क्या करे तो उस लिहाज से स्वीट टच की जो है ना प्राइस बड़ी रीज़नेबल है और प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं अच्छा अभी मेरे पास इनका एक पाउडर भी था जो कि मैं यूज़ करना बिल्कुल भूल गई मिनरल पाउडर वो मैंने लास्ट अपनी किसी वीडियो में यूज़ किया था काफ़ी अच्छा पाउडर वो कवरेज भी देता है लेकिन खैर आज मुझे उस तरह से मजीद कवरेज की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इनका जो पाउडर मैंने यूज़ किया है वो ज़बरदस्त है बहुत ज़बरदस्त इनका पाउडर है तो फिर उसके बाद मैंने लूज पाउडर जो है ना ट्रांसलूसेंट पाउडर ग्लैम गर्ल मैविश का लगाया ताकि जो है जो क्रीसिंग हो जाता अंडर आई स्पेशली वह ना हो ठीक है ना उसके बाद जी मैंने ये ब्रांजर लिया है एल्फ का ब्रांजर है कि ब्यूटीफाई में आमना के एंगल ब्रश पे ले रही हूँ ये प्रीमियम आई गेस इनके फेस ब्रश का सेट है जो कि मैंने मेरे ख्याल में ये इनका ब्रश सेकंड टाइम शायद यूज़ करी हूँ लिए काफ़ी अर्सा हो गया मुझे मैं मेरा ये होता है कि ब्रश जो सामने पड़े हैं ना बस मैंने वही धो धो के यूज़ करी जा रहे हैं अंदर वाले बेचारे अंदर ही बड़ बड़े बड़े सड़ जाते हैं तो खैर मैंने ये काफ़ी दिनों के बाद यूज़ किया मैंने निकाला और इससे मैंने कहा ज़रा देखूँ काफ़ी अच्छा कॉन्टोर और ब्रांजर के लिए ना ब्राउजिंग करने के लिए अपने फ़ेस को काफ़ी अच्छा ब्रश है बड़े अच्छे से ब्लेंड कर देता है आपके किसी भी फेस प्रोडक्ट को पाउडर प्रोडक्ट को अच्छा आप ये सादा देख रहे वीडियो बनाते हैं किस किस चीज़ों से जूझ रही हूँ <laughs> तो खैर वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता लेकिन खैर मेरा शौक है मेकअप तो मैं अपने लिए किसी तरह भी इसके लिए टाइम निकाल लेती हूँ खैर पर मैंने अच्छे से कॉन्टोर कर लिया अपने फ़ेस को और उसके बाद जी मैं ब्लश लगा रही हूँ पीछे सा गया आँखों पर इतना पिंक था तो मैंने जो है ना ब्लश थोड़ा सा मध्यम रखने की कोशिश की तो पीछे सा लाइट सा ये बड़ा अच्छी किट है ये क्रिमल की उसके अंदर ये ब्लश है बहुत प्यारा ब्लश है बड़ा ज़बरदस्त है बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है और ब्लश को बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो ब्लेंड होने में बड़ी प्रॉब्लम करता है फिर ठीक है ना फिर अब जी हाई की बारी है लिपस्टिक मैंने लगा ली थी ऑफ उस कैमरा मुझे समझ नहीं आती मैंने हज़ार लिपस्टिक्स चेंज की थी तो ये कहीं जाके जो है ना बनी थी लिप शेड उसके बाद जो इनका ये हाइलाइटर है ना ये मैंने निशो की रिकमेंडेशन पे लिया था इतना स्मूथ और बहुत सॉफ्ट है बहुत, बहुत ज़बरदस्त अब आप पे डिपेंड करता है आप इसको जितना ज़्यादा लगाना चाहें उतना ज़्यादा लगाएं तो क्योंकि आज ज़रा पिम्पल थे एक्नी हुई थी मैं तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना ज़्यादा नहीं लगाया ताकि वो मेरी एक्नी जो है वो हाई लाइट ना हो लेकिन हाई लाइटर के बगैर गुजारा भी नहीं है ना क्या करें खैर मैंने लाइट से जो है ना स्ट्रोक्स के साथ दोनों जो है ना चीक बोन्स पर लगाया और मेरे ख्याल में लुक हो गई है कम्प्लीट आई भी मैंने कर ली थी ऑफ़ कैमरा ऑफ कैमरा नहीं एक्चुअली दूसरी लुक में तो इंशाल्लाह वो मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी तब तक आप ये स्वीट टच के जो प्रोडक्ट्स हैं ना इसका रिव्यू इन्जॉय करें और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप जो है नेक्स्ट किस तरह की लुक देखना चाहते हैं कोई भी वेडिंग से रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड किसी तरह के भी जो भी चाहते हैं ठीक है ना तो जी अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़